सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को हिंदी बाइबल गाइड यूट्यूब चैनल में स्वागतम करता हूं। आज हम बाइबल का लेखक कौन है। आज बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं, सचमुच बाइबल को किसने लिखा है, परमेश्वर या पवित्र आत्मा या मनुष्य। आज मसीह लोग भी ये सवाल का आंसर को, सवाल का उत्तर को ढूंढते रहते हैं कि बाइबल को किसने लिखा, नहीं तो बाइबल को पहले कौन लिखा, परमेश्वर या मनुष्य। बाइबल का प्रथम लेखक परमेश्वर है। निर्गमन अध्याय 31 का 18, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बात कर चुका, तो परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। मेरे प्यारों, बाइबल को सर्वप्रथम परमेश्वर ने लिखा है, अपनी उंगली से लिखा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो परमेश्वर ने उसको अर्थात मूसा को अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाला पत्थर की दोनों तख्तियां दी। बाइबल को परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा और संपूर्ण पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। परमेश्वर बाइबल को लिखने के लिए अपने दासों अर्थात सेवकों को इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारों, बाइबल का प्रथम लेखक परमेश्वर है और परमेश्वर ने अपने सेवकगणों को संपूर्ण बाइबल लिखने के लिए अगुवाई किया है। इसी तरह बाइबल को परमेश्वर की प्रेरणा से, संपूर्ण पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के सेवकगण ने बाइबल को लिखा है। मे गॉड ब्लेस यू।